दोस्तों दिवाली के खास मौके पर 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। तो वहीं उसके सामने थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। और इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में पांचवा दिन चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थैंक गॉड और राम सेतु अपने पहले पांच दिनों में टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, इंडिया में इन फिल्मों का कितना कलेक्शन रहा, ओवरसीज से इन फिल्मों ने कितने कमाए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म कितनी कितनी कमाई कर चुकी है पहले पांच दिनों में, फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्मों का बजट कितना था, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अक्षय कुमार और अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें थैंक गॉड फिल्म की तो इंद्र कुमार के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी अहम किरदारों में नजर आए। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिले थे, हालांकि फिल्म से उम्मीदें थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि थैंक गॉड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा करके नहीं दिखाया जिससे ये हो सके कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट हो जाए। फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 8 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने इंडिया से कमाए 6 करोड़ रुपए, फिर तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 4 करोड़ 15 लाख रुपए का और वहीं चौथे दिन फिल्म ने कमाए हैं 3 करोड़ 30 लाख रुपए। तो अपने पहले चार दिनों में थैंक गॉड फिल्म का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 21 करोड़ 55 लाख रुपए हो गया था, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 32 करोड़ रुपए हो गया था। बात करूं पांचवें दिन यानी कि आज की, तो आज के कलेक्शन में थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला है क्योंकि आज सैटरडे है और फिल्म अपने पांचवें दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो फिल्म का जो इंडिया में पहले पांच दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो जाएगा 25 करोड़ 55 लाख रुपए और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा 37 करोड़ रुपए। दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए का है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि फिल्म अपने बजट तक पहुंच पाएगी। अब दोस्तों बात करें अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की, तो फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ था फिल्म के रिलीज से पहले ही और फिल्म के रिलीज होते ही शानदार शुरुआत फिल्म ने की, फिल्म को तारीफें भी खूब मिली, फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए का है और फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 15 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 11 करोड़ 40 लाख रुपए और फिर उसके बाद तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 8 करोड़ 75 लाख रुपए का और फिर चौथे दिन फिल्म ने कमाई की 6 करोड़ 5 लाख रुपए की। तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया में पहले चार दिनों में वो हो चुका है 41 करोड़ 45 लाख रुपए और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड 57 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बात करूं पांचवें दिन यानी कि आज की, तो आज के कलेक्शन में थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला है। पांचवें दिन 8 करोड़ रुपए फिल्म इंडिया से कमा रही है और पूरे वर्ल्ड से फिल्म का कलेक्शन 10 करोड़ रुपए होने वाला है। तो फिल्म अपने पहले पांच दिनों में इंडिया से 49 करोड़ 45 लाख रुपए कमा लेगी और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहेगा 67 करोड़। बात करें फिल्म के हिट और फ्लॉप की, तो दोस्तों फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए का है, तो फिल्म को अभी कमाई बहुत ज्यादा करनी है बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि फिल्म हिट रहेगी या फिर फ्लॉप क्योंकि फिल्म की जो कमाई है अभी ठीक ठाक ही चल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।